दोस्तों, अगर मैट ज्वेलरी आप पहनते हैं, मैट ज्वेलरी आप खरीदते हैं, तो आपके सामने ये हमेशा कंफ्यूजन रहता हो कि भैया ये जिस तरह दिखती है बाद में यूज़ होने के बाद, ख़राब होने के बाद, ये दोबारा वही रूप लेगी क्या? जी बिल्कुल लेगी। कैसे लेगी ये भी मैं बताऊंगा। इस वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि इस वीडियो से आपको और कोई वीडियो उठाने की ज़रूरत नहीं है। खासकर गेरू पॉलिश मैट ज्वेलरी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अगर वो जिस तरह नहीं दिखती है यूज़ करने के बाद, जाहिर सी बात है वो काली पड़ जाती है, गीली पड़ जाती है, तो गीली नहीं गेरू पड़ जाती है, काली पीली जो भी है वो पड़ जाती है। उसके बाद वो नया लुक लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज कर, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मैट ज्वेलरी, मैट मंगलसूत्र हो या मैट रानी हार हो या कोई भी चीज़ हो, अगर उसको ख़राब होने के बाद नया लुक किस प्रकार लाया जाए। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे और अगर आप वो खुद नहीं कर सकते तो आप नज़दीकी किसी भी दुकानदार को वो चीज़ बता सकते हैं, वो आपको करके देगा। और इसका खर्चा ही बताऊंगा, लेकिन खर्चा कितना आएगा ये भी मैं आपको आखिर में बताऊंगा, तब तक एंड तक देखिएगा। सबसे पहली चीज़ आपने समझ लीजिए, इस प्रकार का मंगलसूत्र लिया मैंने, जैसे थंबनेल में देखा आपने, बिफ़ोर और आफ्टर दोनों में फ़र्क है। यूज़ करने के बाद बिफ़ोर और यूज़ करने के बाद उसको नए जैसा फिर लुक देने के लिए आफ्टर, तो दोनों प्रक्रियाओं में तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़, आप जब पुरानी नई चीज़ खरीदते हैं, नई चीज़ खरीदने के बाद उसकी फिनिशिंग अलग होती है। यूज़ करते हैं जैसे साल, डेढ़ साल, दो साल या छः महीने, वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कितना टिकता है। उसके बाद वो चीज़ कितने दिन चलती है, उसके बाद वो चीज़ कलर में डाउन हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी चाहिए, अगर आपको मैट फिनिशिंग या गेरू पॉलिश ही दोबारा चाहिए उस पर, सबसे पहली चीज़, अगर आपकी जो ज्वेलरी ख़राब दिख रही है तो सबसे पहली चीज़ आप उसको पॉलिश ना करें, उसको डायरेक्ट गेरू पॉलिश दें उसको। इसके दो फायदे हैं, पहला पॉलिश का खर्चा बचेगा आपका, खाली गेरू का खर्चा लगेगा आपको। गेरू का जब खर्चा लगेगा तो कम ही लगेगा, पॉलिश का खर्चा ज़्यादा लगेगा। अब पॉलिश करा के फिर गेरू कराना तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसीलिए आप खाली गेरू कराना चाहते हैं तो खाली गेरू कराएं, पुरानी चीज़ पे पॉलिश मत कराएं। उसके बाद आता है दूसरा मुद्दा कि अगर आप गेरू नहीं कराना चाहते तो आप उसको पॉलिश कराएं। पॉलिश किस प्रकार की, सीधी सी बात है भैया, जिस तरह सोने का कलर होता है, 1 ग्राम की ज्वेलरी होती है जो, ये तो गेरू वगैरह अब आया है, लेकिन जो पुराना चलन है ओल्ड इज़ गोल्ड, उस प्रकार की फिनिशिंग चाहते हैं तो सिंपल सी बात है पॉलिश कराएं। पॉलिश कराने के बाद गेरू अगर कराना चाहते हैं तो पॉलिश बिल्कुल ना करें, जैसे मैंने अभी बताया। अब आता तीसरा मुद्दा कि अगर हम दोनों ही ना कराएं तो, या दोनों ही नहीं कराएं तो फिर रोने की ज़रूरत ही नहीं है। जो चीज़ आपकी काली पीली है उसी हिसाब से आप पहन लीजिए, धारण कर लीजिए। मैं आपको समाधान बताने जा रहा हूँ कि अगर गेरू वाली आइटम काली पड़ जाए या ख़राब हो जाए या पुरानी जैसे लग जाए, तो उसके दोनों उपाय आपको बता दिए। तीसरा मुद्दा कि गेरू होता कैसे है, भैया दो प्रकार होते हैं, एक होती है लिक्विड और एक होती है मिट्टी टाइप। लिक्विड जो होता है वो, मतलब कि लिक्विड जितना सक्सेस नहीं है जितनी मिट्टी को कैसे करते हैं, केमिकल के थ्रू उसको गीला किया जाता है, उस मिट्टी को उस पर लगाया जाता है और कपड़े से उसको साफ़ कर दिया जाता है। सिंपल है, ज़्यादा कोई इसमें इंजीनियरिंग का काम नहीं है, बहुत बड़ी तोप मारने जैसा कोई काम नहीं है, लेकिन सिंपल है। इस प्रकार की ये गेहूँ बेस्ट रहती है, जो पाउडर वाली जो होती है, लिक्विड वाली इतनी बेस्ट नहीं होती जितनी पाउडर वाली होती है। अब आप सोचेंगे कि भैया जब ये गेहूँ होने के बाद स्टोन वगैरह जो है उस पर भी मिट्टी लग जाएगी, अरे मिट्टी डालो यार, उस पर थोड़ी स्टोन लगेंगे, उस पर थोड़ी मिट्टी लगेगी। जब भी वो मिट्टी से लेपा जाता है, कपड़े से साफ़ किया जाता है, ये आपको मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये पहले गोल्ड प्लेटेड था, फिर इसको हमने दूसरा फ़ोटो देखने इसको गेहूँ किया, तो आपको स्टोन में कहीं दिखा? जी नहीं। तो इसी तरह स्टोन जब वो नए ताज़ा लगाते हैं तो कपड़ा घुमा दिया जाता है, स्टोनों से जो भी मिट्टी होती है वो मिट्टी निकल जाती है। वो था मुद्दा। अब आप सोचते होंगे कि जब भी हम गेरू चीज़ ख़रीदते हैं और जो पॉलीथीन होती है उस पर वो
लाल लाल सा हल्का हल्का सा छोटा छोटा सा लगता है, कलर चेंज हो जाता है थैली में, क्यों होता है? भैया सीधी बात है, वो गेरू किया हुआ है। गेरू किया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो धातु ही लाल है। धातु तो पीली थी लेकिन वो लाल कर दी जाती है, जिसकी वजह से वो पॉलीथीन पे या प्लास्टिक के बॉक्स पे अपनी छाप छोड़ देता है, क्योंकि नया नया होता है। जब तक उसकी पकड़ मजबूत ना हो जाए एकदम, फेविकोल के छोड़ के तरफ चिपक ना जाए, तो इस हिसाब से वो जब तक चिपकेगा नहीं तब तक आपकी पॉलीथीन या बॉक्स पे वो रंग अपना छोड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे खर्चा बताऊँगा मैं गेरू करने का खर्चा कितना आएगा, तो खर्चा करने के लिए भैया सीधी बात है, अगर मंगलसूत्र है गेरू में तो अलग अलग सिटी में अलग अलग रेट हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 150 चार्जेस लगते हैं, गेरू करके दे दिया जाता है। और गेरू करने में कितना समय लगता है, कितना समय लगेगा और कितने घंटे में हो जाता है, तो अगर आपने सुबह दिया तो वो आपको शाम तक लौटा के दे देगा, लेकिन हमारे यहाँ तो 150 चार्जेस हैं। कई जगह 200 हो सकते हैं, कई जगह 250 हो सकते हैं, वो अलग अलग चीज़ है। सिंगल पीस की बात बता रहा हूँ मैं, अगर क्वांटिटी में होता है किसी का तो इससे कम चार्जेस भी लगते हैं, 100 रुपये भी लगते हैं। एक एक पीस अगर कराने जाएं तो 150 चार्जेस मिनिमम लगेंगे, और आपके रिलेशन का सुना रहे तो शायद 100 रुपये में भी काम करके दे देगा, क्योंकि 100 से ज़्यादा तो खर्चा उसमें करना मुझे नहीं लगता कि वाजिब है। जाहिर सी बात है 100 रुपये में अगर गेन हो रहा है, समझ लीजिए आपने कोई गोल्ड प्लेटेड चीज़ या 1 ग्राम की चीज़ मंगोसूत्र खरीदा, उसको गेरू कराना चाहते हैं, तो गेरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए बाद में आप करा सकते हैं। अगर पहले गेरू खरीद लिया और बाद में आपको पसंद आया, ये पहले गेरू खरीदने से अच्छा है कि उसको सोने जैसा कलर है उस टाइम उसको खरीदें, उसके बाद उसको गेरू कराएं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो चैनल को ज़रूर जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे कि गेरू करने के बाद और गेरू के पहले या गेरू के बाद या पुरानी चीज़ ख़राब होने के बाद नए जैसे किस प्रकार दिखे मैट फिनिशिंग ज्वेलरी, गेरू फिनिशिंग ज्वेलरी के बारे में। और वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जिससे सालों साल ज्वेलरी चलता। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।